नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। और मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, 2024 की शुरुआत होने वाली है और बहुत सारे लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं मेरे ऊपर साढ़े सती शुरू तो नहीं होने वाली, या बहुत सारी राशियां ऐसी भी हैं जिनको मुक्ति मिलने वाली है साढ़े सती से। तो जी पहले वो जानते हैं कि कौन सी राशि है जिनको मुक्ति मिलने वाली है। नेहा, एक ही राशि के ऊपर इस समय शनि की साढ़े साती है जिनको मुक्ति मिल सकती है, जी वो है मकर राशि। क्योंकि मकर राशि में शनि की जो आखिरी ढैया चल रही है, अदरवाइज तो साढ़े साती तो कुंभ पे भी चल रही है, क्योंकि कुंभ के ऊपर से शनि इस समय गोचर हो रहा है, जी तो वो दूसरा फेस है। साढ़े साती इस समय मीन पर भी चल रही है, क्योंकि वो पहले फेस में है। तो मुक्ति जिस राशि को मिलनी है वो मकर राशि ही है। मकर राशि के लिए टेक्निकली जो मुक्ति मिलने का समय है, यदि हम उसको डेफिनेशन के हिसाब से देखें, चंद्रमा के एक भाव पहले और एक भाव बाद, वो है मार्च 2025, जब शनि का गोचर मीन राशि में हो जाएगा, कुंभ राशि से आगे चले जाएंगे, जी तो इस राशि के तमाम जातकों को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन 2024 में भी मकर राशि के ही जातकों को मुक्ति मिलेगी। वो मैं आपको टेक्निकली उसकी एक्चुअल डेफिनेशन में समझाता हूँ। जी जो जो प्रचलित डेफिनेशन है वो ये है कि चंद्रमा से एक भाव पहले और चंद्रमा से एक भाव बाद, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है ये है कि चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद। ओके जी यानी कि चंद्रमा से के विदिन 90 डिग्री जब शनि होते हैं तो प्रभावित करते हैं, तो साढ़े साती आती है। एक भाव पहले एक भाव बाद, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर साढ़े साती पहले खत्म हो जाएगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर शुरू ही पहले हुई होगी। जी मकर राशि में नेहा जो आते हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र है, इसके 3 चरण आते हैं। फिर श्रवणा नक्षत्र है, श्रवणा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। धनिष्ठा जो मंगल का नक्षत्र है, उसके 2 चरण आते हैं। एक राशि जब बनती है तो उसमें 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के। जी तो जो सूर्य का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, उसके जो 3 चरण हैं वो मकर राशि में आएंगे। और जो लोग इन 3 चरणों में पैदा हुए हैं, उत्तराषाढ़ा का दूसरा तीसरा चौथा चरण जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं, और श्रवणा का 1 चरण यानी कि चंद्रमा का 1 चरण, चंद्रमा का 4 चरण होते हैं श्रवणा के, तो 1 चरण यदि आपकी राशि मकर है और आपका नक्षत्र चरण ये है, तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती 24 फरवरी को खत्म हो जाएगी। जी उसके बाद जो पैदा हुए हैं, अगले चरणों में पैदा हुए हैं, चाहे वो श्रवणा के ही दूसरे तीसरे चौथे फेस में हैं या धृष्टा के आखिर उसमें हैं, उन सबके ऊपर टेक्निकली जाकर मार्च 2025 में खत्म होगी। लेकिन शुरुआत 24 फरवरी 2024 से हो जाएगी शनि की साढ़े साती के खत्म होने की। तो मकर राशि के बहुत से जातक होंगे जिनके ऊपर शनि का प्रभाव जो चल रहा है या शनि की साढ़े साती जो चल रही है वो खत्म हो जाएगी 24 फरवरी 2024 को। क्योंकि जी जैसे ही शनि 15 डिग्री क्रॉस करेंगे, 15 डिग्री क्रॉस करने वाला फॉर्मूला है, 15 डिग्री जैसे ही क्रॉस करेंगे कुंभ राशि में, वो साढ़े साती के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी मकर राशि। क्योंकि इनका जन्म जो हुआ है वो उस समय हुआ है जब वो आपका जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है वो शुरुआत में था, और इनका चंद्रमा विदिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री होगा अपनी राशि में। उन सबके ऊपर जिनका चंद्रमा कुंडली में नजर आ जाएगा, चंद्रमा की डिग्री क्या है, चंद्रमा 15 डिग्री से नीचे है, उनके जी ऊपर 14 फरवरी को साढ़े साती से मुक्ति का जो है दौर है वो शुरू हो जाएगा। जी तो सर, जैसे आपने कहा कि मुक्ति मिल जाएगी, तो अब ये भी प्रश्न आता है कि उनको किन किन रुकावटों से राहत मिलेगी या किन किन परेशानियों से राहत भी मिल जाएगी। देखिए नेहा, शनि जो है वो मंदगामी ग्रह है, सबसे जो स्लो प्लैनेट है वो शनि है। 2.5 साल एक राशि में चलते हैं, तो जब शनि का प्रभाव आना शुरू होता है, सबसे पहले तो चीज़ें जो हैं वो स्लो हो जाती हैं, आपका काम स्लो हो जाता है। मैं आपको डेफिनेशन में बताता हूँ कि कैसे कैसे किस तरीके से शनि प्रभावित करते हैं। शनि जब सबसे पहले आपके चंद्रमा से 12वें भाव में आते हैं, तो जी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके धन स्थान के ऊपर, वहाँ पर वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद शनि की जब 12वें बैठे हैं, तो 7वीं दृष्टि सीधा पड़ेगी आपके 6ठे भाव के ऊपर, जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, वहां पर प्रभाव होता है। जब ये शनि की एंट्री होती है, साढ़े साती की एंट्री होती है, तो ये चीजें होनी शुरू होती हैं। फिर उसके बाद शनि की एक दृष्टि, जब शनि 12वें बैठे हैं, तो 10म दृष्टि से 9वें भाव को देखते हैं, भाग्य को स्लो कर देते हैं, भाग्य का साथ मिलना कम हो जाता है। तो ये पहले फेस में होता है शनि के। जब दूसरा फेस आता है शनि का, शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो 3रे भाव को देखते हैं तीसरी दृष्टि से। तीसरा भाव आपके भाइयों का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, उसमें कमी आ जाती है। सप्तम को देखते हैं, सप्तम आपके पार्टनर का भाव होता है, पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, तो वहां पर चीजें कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति आ जाती है पार्टनर के साथ, या पार्टनर की हेल्थ को इश्यू आ जाता है। फिर जब 10वीं दृष्टि होती है शनि की, वो आपके कर्म स्थान के ऊपर जाती है, भले ही आप जॉब कर रहे हो, भले ही आप कारोबार कर रहे हो, कुछ भी हो, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो पहले 2 चरणों में उन्होंने, शनि ने दूसरा भाव भी प्रभावित कर दिया, 6ठा भी प्रभावित कर दिया, 9वां भी प्रभावित कर दिया।
और जब लगन में आए यानी कि दूसरे चरण में आए तो तीसरा भाव प्रभावित किया, इसके साथ सप्तम किया, फिर दशम किया। जब दूसरे भाव में आते हैं यानी कि चंद्रमा से दूसरे आखिरी ढैया जब चलती है तो शनि जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। चौथा माँ की हेल्थ का भाव होता है, चौथे को सुख स्थान कहा जाता है, प्रॉपर्टी वहीं से खरीदी जाती है, एसेट सारी यहीं से आती है। जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो अष्टम को देखते हैं सातवीं दृष्टि से। अब अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव सडन प्रॉफिट का भाव है, सडन लॉस का भी भाव है, दुर्घटना का भाव, चोट चपट का भाव वही है। तो जब अष्टम के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो सीक्रेसी भी लीक होती है व्यक्ति की। तो अष्टम को प्रभावित कर दिया, सप्तम को भी किया, अष्टम को भी किया, चौथे को भी किया। अब जब दूसरे भाव में बैठे हैं तो ग्यारहवें को देखेंगे, धन भाव में बैठकर आय भाव को देखते हैं, वहां पर आय को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आप देखिए शनि की साढ़े साती जब तीन फेस में चली तो कौन सा भाव बचा? पंचम, जिसके ऊपर शनि की दृष्टि नहीं पड़ी। क्योंकि वो पंचम क्यों बचा? क्योंकि पंचम आपके पास्ट कर्मास का भाव है, यानी कि यदि आपके कर्म पास्ट के अच्छे हैं तो शनि वहां पर कोई दिक्कत नहीं करते। यानी कि साढ़े साती की स्थिति में किसी के ऊपर साढ़े साती चल रही है और प्रेगनेंसी आ जाती है, घर में संतान